hours later. Hey guys, welcome back to my channel. तो सुबह सुबह इस नन्ना से मेहमान को मैं पिकअप करने गई थी हावड़ा स्टेशन. ये नन्ना सा मेहमान आया है भोपाल से. इसको मैंने भोपाल से मंगवाया है. एक्सट्रीम पंच फेस कैट है एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये मेरा फैमिली का न्यू नन्ना सा मेहमान है. इसका नाम है शेरू. ऑलरेडी मैंने देख के रखा था इसलिए मैंने इसका नाम भी रख दिया है. एंड मेरे पास ऑलरेडी सेमी पंच फेस है एंड मेरे पास जर्मन सेपर्ड है और मैं अकेला कोलकाता में रहती हूँ लिविंग एलोन राइट. तो मेरे अभी मैं हो गई और मेरा और तीन बच्चा चार मेंबर हो गए हैं एंड से माशाल्लाह. 6 hours later. Hey guys, शाम हो गई है और अब मैं निकली हूँ शॉपिंग करने के लिए. तो चलो आप लोग भी साथ में. सो गाइस, मैं ज़ारा आ गई हूँ कोलकाता साउथ सिटी मॉल. तो शुरू करते हैं शॉपिंग करना. आप लोग भी इंजॉय करो. गाइस, शॉपिंग मैंने कर लिया है और घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मैंने शॉपिंग किया है. तो चलो घर जाते हैं, पर भूख लगा है, कुछ खा भी लेते हैं. बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी. तो आ गए हम लोग अर्शलान और यहाँ का फूड तो अमेजिंग है. आप अगर कोलकाता से हो तो आपको तो पता ही है कि अर्शलान कितना ज़्यादा फेमस है और कितना ज़्यादा यम्मी फूड मिलता है. सो मैं हेल्दी ऑप्शन चूज़ किया है. यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का लिया है, फिश टिक्का, और थोड़ा सा ऑफकोर्स मैं बिरयानी खाऊँगी बिकॉज आई लव बिरयानी. अर्शलान का बिरयानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है. एंड उसके साथ मैंने ये ड्रिंक भी ट्राई किया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा था. यम्मी और चटपटा सा खाना पीना होने के बाद अगर ये नहीं खाया तो क्या खाया, सब कोई खाता होगा. एंड चलो अब घर जाके दिखाती हूँ क्या क्या शॉपिंग किया. ये रहा मेरा ज़ारा का शॉपिंग का बैग. बहुत शॉपिंग, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना सारा चीज लूंगी, बट हमेशा की तरह बोलिए. सो मैं पहले अरे कहना क्या चाहते हो, ज़ारा का ही दिखा देते. मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं मिनिसो में जाके कुछ लूँगी, पर मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ. एक्चुअली मुझे रबर बैंड चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, पर हमेशा की तरह वही होता है, कुछ बहुत नहीं चाहिए था वो भी लेना होता है. हम लड़कियों का आदत यही ख़राब है, शॉपिंग के नाम पे पता नहीं हम लुटा देते हैं खुद को. सो ये मैंने ये ट्राउज़र, इसका मेरे पास बहुत सारा कलर है तो ब्लैक नहीं था तो मैंने ब्लैक कलर ले लिया है. हाई वेस्ट ट्राउज़र है और इसका प्राइस है 2500 लंबाई. ओ बाबा. और एक बेसिक से टी शर्ट है और ये मैंने सिर्फ लिया है क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है. चलेगा. इसका प्राइस है 590, मतलब ऑलमोस्ट 10 रुपये कम, 600. और ये अच्छा है और ये मैंने लिया है एम साइज में क्योंकि टी शर्ट में हमेशा लूज लेती हूँ. ये मैंने लिया है जस्ट जो सारे टॉप बहुत ही सी थ्रू होता है. मेरे पास ब्लैक है, वाइट है, बेज कलर है. मेरे पास ब्राउन नहीं था तो मैंने ले लिया है क्रॉप टॉप, जैसे भी पहन सकते हो. एक मैंने क्रॉप टॉप लिया है, ये बहुत ही बेसिक क्रॉप टॉप है. ये कहीं पर भी जाके मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट लिया है मैन सेक्शन से. ये थोड़ा स्वेटर टाइप है, एम साइज में है. ये है 1590 और 1600, बट ये ज़रूरत नहीं था पर मैंने लिया है बिकॉज ये बहुत ही स्मार्ट लगेगा अभी विंटर में पहन के देखेंगे पेयर अप करके. और मैं ज़ारा जाऊँ और न्यू कुछ आए कलेक्शन वो मैं ना लूँ, ऐसा हो नहीं सकता. अगर मुझे पसंद हो तो मैंने ले लिया. और ज़ारा का जो शर्ट होता है फॉर्मल, इतना ज़्यादा मटेरियल अच्छा होता है, पहन के दिल खुश हो जाता है. सही है, ये मैंने ले लिया है. और प्राइस है 2290. हर कोई प्रोडक्ट में 10 रुपये करके कम है अभी, वो भी वही जोड़ देता
तो 2300 ही देखा जाए तो 2300 ही है। ब्लैक टी शर्ट लिया है, इसका भी सिर्फ लिया है जस्ट बिकॉज मटेरियल और कुछ नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट है, कैजुअल कहीं पे भी जा रहे हो पहन के जा सकते हो। और ये भी मैंने कौन सा साइज में लिया है, ये भी मैंने एम साइज में लिया है, एकदम लूज देख सकते हो इसका। मेरे से भी दो आदमी आ जाएगा, पर ये मैंने लिया है। बस कुछ नहीं, ये पहन के ट्राउजर पहन लो, जीन्स पहन लो, कुछ भी पहन लो, और फुल स्लीव है, अच्छा है। सो मैंने ये ले लिया है, तो इसका भी 2990। हर एक चीज का 10 रुपया कम करके लो, क्या ही मतलब। ये तो देखा जाए ये तो 1000 का ही है, पर 2090 बोलना पड़ेगा क्योंकि 10 रुपये उन्होंने कम करके हम लोगों को पहचान किया है। तो यस, यही था मेरा ज़ारा का शॉपिंग। आप लोगों को मैं मिनीसो का शॉपिंग भी दिखा देती हूँ, ये तीनों ही फर्स्ट में दिखा देती हूँ। ये नेल पेंट कुछ नहीं, मैं नेल पेंट में बहुत ही कम ही लगाती हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। मैंने सोचा क्यों ना ले लेते हैं जब आई हूँ तो। अरे हाँ, ज़ारा से मैंने और एक चीज़ लिया है, वो है ये किड सेक्शन में जाके परफ्यूम लिया है। मुझे किड्स का परफ्यूम बहुत अच्छा होता, मतलब लगता है जाएगी छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, ऐसे हम लोगों के लिए भी निकाले एडल्ट्स के लिए तब ना, तो कितने क्यूट लग रहा है। आजकल पिंक तो बहुत ही चल रहा है, सो मैंने सोचा क्यों ना पिंक लिया जाए, तो मैंने ये लिया था। इतना सारा सीट मास्क मैं लेके आई हूँ, अभी कुछ कुछ नया नया आया है तो मैंने ये ले लिया है। ये है ये सब हाइलुरोनिक एसिड है, ये कोलेजन है, वाइज बहुत ही सही रहता है। एंड जो आप लगाने के बाद जो आपको स्किन जो हाइड्रेट हो जाता है, प्लम्प हो जाता है, बिफोर मेकअप अगर लगाओगे या फिर कहीं पार्टी में जा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है बट अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना है, तो ये सब आप लगा के रख सकते हो। सो मैंने ले लिया है ये सारे विटामिन सी वाला, ये वाला नया दिखा मुझे, ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। मेरे पास है पर कहाँ पता नहीं खो जाता है फिर। The next day. हे गाइस, आज भी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। आज जो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ ना, आप लोग भी देख के खुश हो जाओगे, तो चलो चलते हैं। सो रूम आ गई हूँ गोल्ड का, एंड धनतेरस से कुछ ना लूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। अंकल ने मुझे कॉल कर दिया था कि कुछ पीसेस आया है बाबू, आके देख लो। एक्चुअली अंकल फैमिली ज्वेलर से, तो यस कॉल कर देता है, व्हाट्सएप में मुझे फ़ोटो सेंड भी कर देता है। सो मैं यहाँ पर आई हूँ, देखती हूँ कि मुझे क्या पसंद आ रहा है। वो मुझे दिखा रहा है, कुछ रिंग्स दिखा रहे हैं, कुछ गले का चेन वगैरह। एंड हमेशा मैं गोल्ड सेविंग करके पैसा गोल्ड लेती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, आप एक अच्छी चीज़ में अपने पैसा को भी इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड आप जब मेहनत से काम करते हो, उस पैसा से अगर कुछ लेते हो, तो वो खुशी कुछ अलग ही होता है। मैं जब जॉब नहीं करती थी, तब मैं सोचती थी कि मैं लूँगी। अब मैं जॉब करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ गाइस, ये सारे चीज़ को मतलब लेने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए। एंड देखो आज मैं ले पा रही हूँ। सो यस गाइस, मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो जाता है। एंड मुझे ये ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सो ये मैंने साइड कर दिया है। और अंकल दिखा रहा था कुछ नेक पीस, जो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि नेक पीस ऑलरेडी मैं लेके गई थी। और ये रहा मेरा अंकल का शोरूम, एंड फाइनली मैंने इसको डन कर दिया है। एंड मैंने एक इयररिंग्स भी लिया है। सो गाइस, मैंने दो चीज़ लिया है, उसमें ही मेरा सेविंग ख़त्म, मतलब मेरा अच्छा खासा लग गया है, पर कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, घर पे आके मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। ये सारे सॉसेज अगर आपके पास हो, आप जॉब करते हो, पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, या फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी कुछ बनाना हो टेस्टी यम्मी सा, तो ये सॉसेज अगर रहेगा, आपका लाइफ बहुत ही इजी हो जाता है। एंड मैं कुछ नूडल्स जो मैं खाती हूँ, बिकॉज मुझे पीसीओडी का सिम्टम, अभी तो मेरा एकदम पूरा ख़त्म हो गया, पर सिम्टम तो हमेशा रहता ही है, हार्मोनल प्रॉब्लम। एंड मुझे थोड़ा बहुत थायराइड का भी सिम्टम है, तो मैं मैदा एकदम अपने डाइट पर नहीं रखती हूँ। तो ये सारे मैं जो प्रोडक्ट मैं लेती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, आप लोग भी खा सकते हो, या फिर वेट लॉस कर रहे हो उसमें
भी आप लोगों का हेल्प करेगा। सो मैं ये यहाँ पे राइस नूडल्स में यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे जो चिकपी नूडल्स है नो मैदा, यहाँ पे मैं पास्ता भी यूज़ कर रही हूँ इसमें भी कोई मैदा नहीं है, और ये इडली मसाला इडली, अरे स्टिकी राइस, ये सारे चीज़ बहुत ही झटपट बन जाता है। घर पे मेरा कल रात का थोड़ा सा चिकन था, राइस था, सब्ज़ी मिक्स करके, और चाउमीन का ये सॉस मेरा पहले से ही था पुराना बॉटल, मिक्स करके अच्छे से झटपट से मिल गया, मतलब मिक्स कर दी और बन गया, और जो नया वाला था उसको मैंने क्लीन कर दिया। मैंने जस्ट दिखाया ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। 3 hours later. Hey guys, मैं रेडी हो गई हूँ दिवाली डिनर डेट के लिए, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा मेकअप भी कैसा लग रहा है ये भी बताना। ये सूट मैंने खुद डिज़ाइन किया है, इसका हाथ का जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे अच्छा लगता है खुद का सूट डिज़ाइन करके पहनना, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स रहता है, क्योंकि हम लोग खुद अपने पसंद से कर सकते हैं। गले में भी मैंने बहुत सारा लेस दिया है, एंड आप लोगों को भी मेरा सूट का अगर कलेक्शन देखना है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है, कमेंट करके बताना, एक दिन मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी चलो चलते हैं डिनर के लिए। सो मैं घर से निकल गई हूँ, चारों तरफ दिवाली का रौनक, खुशियाँ, लाइट, कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड गाइस, मैंने अपना पूरा मेकअप चेंज कर लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं थोड़ा ओवर लग रही हूँ। सो यस, मैं सिंपल लुक में फिर आ गई हूँ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, एंड अभी भी ठीक ठाक लग ही रही हूँ। कमेंट करके बताना कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा है, पहला वाला या फिर अभी। अभी मैं कैफ़े आ गई हूँ, और यहाँ का कैफ़े का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करें। गाइज, ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग न्यू हो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना, एंड वीडियो को लाइक भी। और अभी मैं डिनर पे ले रही हूँ स्टिकी राइस, ग्रीन थाई करी, बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, बहुत यम्मी रहता है, एंड डिनर करने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि आपने अच्छा सा कुछ खाया है, एंड गिल्टी फील नहीं होता है कि आपने कुछ ऐसा खाया है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके साथ चिकन वाला कुछ सजेस्ट किया था उन लोगों ने, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद इतना अच्छा व्यू था तो मैंने हुक्का के साथ थोड़ा एंजॉय किया। दिवाली में मुंह मीठा करना तो बनता है, और इन लोगों ने बोला इन लोगों का कैफ़े में दिवाली स्पेशल कुछ केक है, तो मैंने भी ट्राई किया और बहुत ज़्यादा यम भी था। गाइस, मेरा दिवाली डिनर डेट बहुत अच्छा गया, एंड मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय भी किया है, खाना भी खाया है। आप लोग कहाँ से ये ब्लॉग देख रहे हो ज़रूर बताना, बिकॉज मैं तो कोलकाता से हूँ एंड आई लव कोलकाता। Tomorrow. So guys, आज है बड़ी दिवाली, एंड हैप्पी दिवाली, और मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, गोल गोल घूमर घूमर डांस भी कर रही हूँ, आप लोगों को मेरी खुशी दिख रही होगी। एंड कितना अच्छे से डेकोरेट किया है साउथ सिटी मॉल, और पूरा मॉल बहुत ही अच्छे से, पूरा एकदम दिवाली थीम है, जस्ट देख के दिल खुश हो गया। और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मेरा सूट कैसा लग रहा है, वो भी कमेंट करके बताना। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ पब्लिक में थोड़ा सा वीडियो बनाने में, क्योंकि अभी उतना आदत नहीं पड़ा ना ब्लॉग करने के लिए। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ रूम पे ही बनाती हूँ इसीलिए, पर कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते मैं भी सीख जाऊंगी। और अभी जा रहे हम लोग मूवी देखने, टाइगर 3। विदाउट टाइगर 3 देखे बिना दिवाली कैसे कंप्लीट हो सकती है, राइट गाइज? तो चलो चलते हैं अंदर, और अंदर आते ही मैंने अपना खाने पीने का सामान पहले जुगाड़ कर लिया।
इंटरवल हो गया है, बाहर आ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सुसु लगी थी इसीलिए। तो गाइस मूवी खत्म हो गई है, घर के लिए निकल गई हूँ मैं। और टाइगर 3 बहुत ही अच्छा मूवी बना है, जाके जरूर देखना, क्योंकि सलमान खान भी है, शाहरुख खान भी है, दोनों का दोस्ती, मजा आ जाएगा देखने में। एंड 1 वीक मैंने क्या किया है आप लोगों के साथ, मैंने शेयर किया आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताना। एंड जो लोग न्यू हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस, एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। एंड आप लोगों से मैं मिलूंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, बाय।